आखिर क्यों अजय देवगन को तलाक देना चाहती थी उनकी वाइफ काजोल, आखिर किस एक्ट्रेस की वजह से टूटने वाली थी अजय देवगन और काजोल मैम की जोड़ी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ इस कंट्रोवर्सी की पूरी सच्चाई। बॉलीवुड स्टार्स के लिए अफेयर्स और लिंकअप की अफवाहें सुनाई देना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन हमारे सामने ऐसी कई खबरें आती रहती है जो फैंस को हैरत में डाल देती है। हालांकि बॉलीवुड में शाहरुख खान और गौरी खान, अजय देवगन और काजल मैम, रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख जैसे कपल्स भी है जिन्होंने फैंस के सामने मिसाल कायम की है कि एक खुशहाल शादी कैसी होती है। लेकिन हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है, इनमें कई बार उतार चढ़ाव भी आते हैं। ऐसा ही कुछ एक बार हुआ था बॉलीवुड टाउन के परफेक्ट कपल में से एक अजय देवगन और काजल मैम के साथ, जिसका सामना इस कपल्स ने एक की तरह किया था। दरअसल ये बात है तब की जब अजय देवगन कंगना रनौत के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर सुर्खियों में थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अजय जी और काजल जी की शादी 1999 में ही हो गई है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी है करीब 2009 या फिर 2010 की। लेकिन उनकी वैवाहिक जीवन पर समस्याएं तब शुरू हुई जब अजय कंगना के साथ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान दोनों करीब आ गए थे। कहा जा रहा था कि उस वक्त अजय जी और काजल जी के दो बच्चे भी पैदा हो चुके थे। हालांकि जब काजल मैम को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी अजय देवगन को अपने बच्चों के घर छोड़ने की धमकी दी थी। तो फिर बाद में एक इंटरव्यू के दौरान अजय देवगन जी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में खुल के बात की थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शादी के बाद कोई भी पुरुष या महिला किसी दूसरे शख्स के साथ प्रेम करते हैं तो उसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहा जाता है। तो फिर इसके ऊपर अजय देवगन जी ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी मीडिया दो लोगों को एक साथ देखकर गलत व्याख्या कर देते हैं। मैं कभी किसी को अपना नाम किसी के साथ जोड़ने की इजाजत नहीं देता। मुझे अपना काम पसंद है और मैं सीधे काम करके अपने घर आ जाता। जिसके बाद काजोल मैम और अजय देवगन जी का रिश्ता फिर से पहले जैसा ही हो गया और ये दोनों खुशी खुशी अपनी मैरिड लाइफ फिर से एंजॉय करने लगे। तो दोस्तों, यही थी अजय देवगन और कंगना रनौत जी की पूरी कंट्रोवर्सी की पूरी सच्चाई, जो कि करीब 2009 या फिर 10 में ही चली थी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अजय देवगन जी से जुड़ी कुछ फैक्ट्स या फिर कुछ बातें। अजय जी और काजल जी ने गुंडा राज, इश्क, दिल क्या करे, राजू चाचा, प्यार तो होना ही था जैसे कई मूवीज एक साथ कर चुके हैं। और हाल ही में कुछ साल पहले 2020 में पीरियड ड्रामा फिल्म तान्हाजी दी सॉन्ग वॉरियर जैसी फिल्म भी की थी। इन दोनों ने सन 1999 में शादी की थी और 2003 में एक बेटी नाइसा और 2010 में एक बेटे युग का अपने परिवार में स्वागत किया था। अजय देवगन जी ने 1991 में आई अपनी फिल्म फूल और कांटे से अपनी बॉलीवुड की जर्नी स्टार्ट की थी, जिसके बाद इन्होंने 1994 में दिलवाले, 1997 में इश्क, 1999 में हम दिल दे चुके सनम, 2002 में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में लीड रोल कर चुके हैं, जिसके बाद 2010 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, गोल सिंह हम जैसे कई मूवीज में दिखाई दे चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपको अजय देवगन जी से जुड़ी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।